नमस्कार, जनता समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए चलते हैं खबर की ओर। 40,000 की रिश्वत मांग रहा हवलदार रंगे हाथों गिरफ्तार। जबलपुर लोकायुक्त पुलिस ने गोराबाजार थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक को 40,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। प्रधान आरक्षक का नाम उर्मिलेश ओझा है, जो कि रिज रोड निवासी संदीप यादव से एक जांच को रफा दफा करने के मामले में 50,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा था। बाद में सौदा 40,000 रुपए में तय हो गया। गुरुवार की रात करीब 7:30 बजे जैसे ही प्रधान आरक्षक ने रिश्वत के लिए रुपए लिए, तभी लोकायुक्त पुलिस ने उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। लोकायुक्त की गिरफ्त में पुलिस कर्मचारी के आते ही गोरा बाजार में हड़कंप मच गया। लोकायुक्त पुलिस ने हेड कांस्टेबल को गिरफ्तार कर सर्किट हाउस नंबर 2 ले आई। बताया जा रहा है कि आरोपी उर्मिलेश ओझा के साथ एक और पुलिसकर्मी था, जिसको लेकर लोकायुक्त पूछताछ में जुटी हुई है। बता दें कि जिस हेड कांस्टेबल को 40,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है, शुक्रवार को हेड कांस्टेबल उर्मिलेश को जबलपुर एसपी ने निलंबित कर दिया। मामले में गोरा बाजार थाने में एक और हेड कांस्टेबल राजेश गौतम का नाम भी सामने आ रहा है। पुलिस इसकी जाँच कर रही है। हमारे आवेदक हैं संदीप यादव, रिज रोड गोरा बाजार जबलपुर के निवासी हैं। इनके विरुद्ध थाना गोरा बाजार में संपत्ति विवाद संबंधी शिकायत की गई थी, जिसकी जांच वहां पदस्थ प्रधान आरक्षक हैं श्री उर्मिलेश ओझा इनके द्वारा की जा रही थी। इनके द्वारा शिकायत का निराकरण करने और रफा दफा करने के एवज में हमारे आवेदक से 40,000 रुपए की मांग की गई थी। आज हमने इनको 40,000 रुपए रिश्वत लेते हुए पकड़ा है, कार्रवाई जारी है। बेटा, ये पूरा मामला क्या है? ये संपत्ति विवाद संबंधी मामला है, जिसकी शिकायत थाना गोरा बाजार में हुई है। किनके किनके बीच में एग्रीमेंट हुआ था, कुछ जानकारी लग पाई है? ये अभी विवेचना का विषय है, ये शिकायत देखने के पश्चात बता सकते हैं। राजेंद्र जायसवाल एक तिलहरी में रहते हैं, उनसे मेरा एग्रीमेंट 2019 में हुआ था। तो 19 में होने के बाद एग्रीमेंट हुआ जैसे ही, तो 5 साल इनने रजिस्ट्री नहीं कराई मेरे से, और धीरे से फिर गोरा बाजार थाने में और बरेला थाने में मेरी कंप्लेन करी। बरेला थाना और गोरा बाजार थाने में मेरी कंप्लेन करी कि ये रजिस्ट्री नहीं कर रहा है। तो गोरा बाजार थाना में जो ओझा जी के पास कंप्लेन आई, तो ओझा जी ने मेरे से डिमांड रखी 1,00,000 रुपये की, कि 1,00,000 रुपये लेंगे। और आज सुबह मेरे घर आए, जब तो घर देख के बोलते कि 1 का 2 हो जाएगा, मतलब 2,00,000 रुपये हो जाएगा। कोर्ट नहीं दर्ज करने के लिए, FIR नहीं दर्ज करने के लिए मेरे से 1,00,000 रुपये की डिमांड की थी ओझा जी ने और राजेश गौतम ने। ये थी आज की खबर। और खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन को दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।